तो इसका इसने मुंह बांध दिया ताकि बाहर से डंक ना मार दे मुझे. अरे मुझे डर लग रहा है मुझे. तो भैया ये देख सकते हैं आप, एलिगेटर है ये पूरा. इट्स लाइक ए स्टोन. दोस्तों स्वागत है आपके चैनल ब्लॉगर मानसिंह में. मेरे दोस्तों आज मैं आया हूँ गेटर सिटायू सेटू. भाई नाम पढ़ लो, ऊपर लिखा हुआ है इसका नाम ही साला ऐसा मुंह टेढ़ा हो गया. गेटर सेटू एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है अ थिंग अवे फ्रॉम लाइक मोर देन अ रेजिडेंस. एक प्रकार का डिफेंसिव रेजिडेंस बोल सकते हो. फ्रेंच वर्ड है ये सेटू, राइट. तो ये जो मेरे घर से 35 मिनट की दूरी है, 35 माइल्स पे है और सामने आप पूरा देख सकते हैं ये सारा जो पार्क है गेटर सेटू के अंदर आता है. और गेटर सेटू का मतलब क्या है, एक छोटा सा घर है जिसके अंदर बेबी एक लिटिल जिसको कह सकते हैं गेटर, गेटर बहुत जानते हो एलिगेटर का छोटा सा बेबी एलिगेटर मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, उसको आप होल्ड कर सकते हैं. और इस पार्क में कई प्रकार के डक है और ये पार्क जो बच्चों के लिए भी है और बाकी चीज़ें मैं गौर करता हूँ. तो आइए चलते हैं. अभी अंदर चलते हैं. यार डू या प्रेटी गुड, प्रेटी गुड. हाउ अबाउट यू, इज गुड? यस सर. लेक चार्ल्स. लेक चार्ल्स. एंड हाउ डिड यू हियर अबाउट इट? ओह इंटरनेट. एंड वी जस्ट पास थ्रू द लाफ एसएम ट्रांस सो वी सो द होल्ड द गेटर एंड एवरीथिंग एडवर्टाइजमेंट राइट. या आर यू ऑल स्टेइंग डिफरेंट वे? तो भी हम अंदर आ चुके हैं. अंदर ये हमको पूरा टूर कराएंगे कैसा. ये सारा इनका मर्चेंडाइज एरिया, बुक्स एरिया है, टी शर्ट्स है, जो मर्जी खरीद सकते हो. आगे थैंक यू. तो अंदर आप देख सकते हैं छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है. तो ये बताएगी We do this because around that age they'll actually start mating, which makes them more aggressive. So we don't want to have any of that are super aggressive with the other ones. So we go ahead and we send them back to the wild. तो आगे देखते हैं. And then we also have two snapping turtles. One is Marie. She's 3 years old. She's a common snapping turtle. Okay. And then we have Pierre. He's our 87-year-old alligator snapping turtle. They'll both stay here their whole lives. All right. तो यहाँ पे turtles भी हैं. Here we have four babies at a time. There are Sam, who is 2 years old. And then we have Alain, who is 5 months old. 5 months. Tiffy, who is also 2 years old. And then Thibodeau, who is 5 months old. Alright, so these are their names? You don't want to hold a baby? Oh, yeah. Alright. तो इसका इसने मुंह बांध दिया ताकि बाहर से डंक ना मार दे मुझे. Alright, all you have to do to hold them is hold behind each. अरे मुझे डर लग रहा है मुझे. तो भैया ये देख सकते हैं आप, एलिगेटर है ये पूरा. इट्स लाइक ए स्टोन. ये अरे कहाँ बात होगी भाई, कहाँ कह रहे हो. और ये वाओ, आई एम प्रीटी नर्वस. व्हेनेवर यू आर रेडी आई कैन टेक देम बैक. या यू कैन टेक. वी विल जस्ट लेट मी नो इफ आई कैन आंसर एनी क्वेश्चंस फॉर यू ऑल. या डेफिनेटली. वी जस्ट माय नेम इज मान सिंह. Thank you. Wow, you like it? Yeah. Wow, it's a big though. तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एलिगेटर हैं. पानी बनाया हुआ है, कितना सारे इतने सारे एलिगेटर इधर घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं. Oh, you, he good. तो देख सकते हैं. How old he is, you told me? So this one is 5. That's our oldest, and that one is 3. That's our. And the turtle. The turtle's 87. 87 years. Wow. 200 pounds. 200 years. Yeah. तो आपको पता है कि कछुए की जो उम्र होती है 200 से 300 साल होती है. तो ये जो है, ये सामने जो कछुआ है आप देख सकते हैं 83 ईयर्स ओल्ड का है वो, सामने जो है छोटा सा. इन्होंने बीच में लपेटा मार रखा है, देख सकते हो आप. तो
को पूरा उन्होंने बनाया हुआ है, कितना शानदार है। और भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, आओ भाई, कैन वी टेक अ लुक? यस। तो अब देखो कितना काला बाल, ऐसा काला बिल्कुल काला जामन जैसा जामन। और यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है ताकि कोई अंदर ना जा सके, अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पानी कितना शांत है, आराम से यहाँ बैठो। ये जितने भी हैं इनके ऊपर इनके ऊपर रैंप बनाया हुआ है, रैंप से ऊपर चढ़ते हैं और उसके ऊपर अंदर घूम के वापस आते हैं। अभी इनका क्या है, अभी पानी में जाने का टाइम हो गया तो आराम से चिल कर रहे हैं, लेकिन जैसे थोड़ी गर्मी होगी ये ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे आके इसके ऊपर लेट जाते हैं, ऊपर दिखाते हैं। आप देख सकते हो वो 3 साल का है, वो जो कछुआ छोटा सा, वो 3 साल का है बेचारा, चुपचाप लेटा पड़ा है। ये देखो ये आराम से सब लोग चिल कर रहे हैं, भाई छोटा सा बच्चा भी लेकर रहा है, भाई साहब बिल्कुल नहीं डर रहा, छोटा सा बच्चा देख रहा है, इसका मुंह बंद करा हुआ है, लेकिन छोटा सा बच्चा भी एलिगेटर पकड़ के खड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं डर रहा। हमारे तो भैया और तो डर जा रहे हैं, चीखे मार रहे हैं। देख सकते हो आप एलिगेटर कैसे लपेटे ले बैठे, भाई साहब तो ऐसा लग रहा था मर गया हो ये वाला। आप सामने भी देख सकते हैं लुइजियाना पूरा स्वैम्प बनाया, मतलब स्वैम्प का मतलब होता है दलदल बना हुआ। तो दलदल में क्या है कि आप प्रकार से देख सकते हो, तो हंस है, एलिगेटर है, और आपके जो कछुए पछुए जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा अंदर देखो आप कैसे उसको होल्ड करके खड़ा हुआ है, ठीक है। इधर आ सकते हैं, इसको बेसिकली क्या है, स्पोर्ट्समैन पैराडाइज बोला जाता है कि ये जितने भी स्वैम्प में रहने वाले प्रजाति होती है, केजन कंट्री, और ये वैसे भी लुइजियाना केजन के अंदर आता है क्योंकि फ्रेंच और अमेरिकन कल्चर है, और सारा ये जितनी भी बुक्स बनाई हुई हैं सारी ये लुइजियाना के ऊपर है। लुइजियाना बहुत पुराना एक हेरिटेज कल्चर है अमेरिका में, 200-300 साल पुराना है, और इसीलिए ये फ्रेंच है तो यहाँ पे चीज़ अलग है, अमेरिका के बाकी स्टेट से अलग है लुइजियाना, ठीक है। ये सारी बुक्स अगर आपको पढ़ सकते हो, ले सकते हो। ओके, वी वांट टू बाय अ डक फूड, टू। सो अभी मैंने डक फूड लिया है, अभी बाहर जाके डक को मैं खिला सकता हूँ खाना। नो मैन, बट दिस इज फॉर एनिमल्स, नो प्रॉब्लम। या दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। तो अभी डक फूड ले लिया है, तो बेसिकली ये ले सकते हैं आपको किसी पे चिपकाना, लैपटॉप पर चिपकाना, पीछे चिपकाना, तो पीछे आगे डक को हम लोग फीड करते हैं। तो चलते हैं अगले एपिसोड में। इसका देख सकते हैं जो इसका हैंडल है, इसका हैंडल भी उन्होंने ऐसा बनाया जैसे एलिगेटर, राइट, कितना यूनिक है। और यहाँ बैठ के आप बाहर लोग आराम से बैठो, आराम से बैठो। और भाई साहब जब रिटायरमेंट वाले नहीं होते, हाँ जी भैया चाय ले आओ, तो भैया ऐसा वाला हिसाब है। कितना प्यारा, कितना शानदार है ये एरिया, आराम से अपनी गाड़ी पार्क करो सामने। और अभी तो मैं आपको अंदर का दिखाया, अभी मैं डक को फीड करता हूँ और आपको बाहर का सारा एरिया दिखाता हूँ। ये देखो कितना छोटा सा, एक छोटा टाइनी हाउस टाइप का बना हुआ है, ये भी इसी का पार्ट है, सामने देख सकते हैं कितना प्यारा टाइनी हाउस टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है। और उधर एक शायद एक कुआ भी बनाया हुआ है, राइट,